फीडबैक है सारी नीचे ना वो गुब्बारे में वो सब मैं माना ने नीचे जाना इस करके सब दी बिल्डिंग भी जुड़ाई जाए दोबारा तो फिर ऊपर आना था तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी है शादी का कर दे ख़वातीन हज़रात एक वक्त था जब इल्म शऊर और आगाही के लिए सिर्फ रीडिंग और डिस्कशन दो ही मीडिया था। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आ गया है और ये इसने एक दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है और इस ग्लोबल विलेज में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दुनिया चैनल को मैं 2 साल मुकम्मल करने पर मुबारकबाद पेश करता हूं और इसमें सब कुछ है, सब कुछ है। खुसूसन इसमें कुछ प्रोग्राम जो है वो हसबे हाल है, बड़ा वो एक मजाही अंदाज में भी एक अच्छी तनकीद है। फिर इसमें दुनिया मेरे आगे है, दुनिया टुडे है और सबसे बढ़कर मैं ये समझता हूँ इसमें जो ब्रेकिंग न्यूज़ का भी बहुत खूबसूरत एक नुमाया पहलू है और ख़ास तौर पर मैं ये समझता हूँ कि मेरे साथ भी एक हादसा पेश आया चंद रोज पहले और सबसे पहले दुनिया न्यूज़ में ही ब्रेकिंग न्यूज़ में मेरे हादसे की खबर दी थी और मैं समझता हूँ कि इल्म और आगाही और शऊर के लिए ये तहसीन तो जो मैं पेश कर रहा हूँ वो बराए तहसीन ही नहीं है, बराए तामीर भी है। इसी तरह से तनकीद जो होना चाहिए वो बराए तनकीद ना हो, बराए तामीर भी हो। और इस हवाले से जो उड़ान जो दुनिया चैनल की 2 साल मुकम्मल करने पर जो 3रा साल शुरू हो रहा है मैं मुबारकबाद भी देता हूँ, तहसीन भी पेश करता हूँ और इसकी उड़ान जो है वो अल्लाह करे जोरे शबाब और ज़्यादा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं दुनिया न्यूज़ चैनल को उसकी दूसरी सालगिरह की मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह करे कि ये और फले फूले और इसी तरह काम करता रहे। हमने यहाँ पर जहाँ कहीं भी कोई फंक्शन हुआ, कोई एहतजाज हुआ, कोई रैली हुई, कोई मसाइल के लिए लोग खड़े हुए, हर जगह हमने दुनिया टीवी को और राणा खाना साहब को साथ साथ ही पाया। मेरा ख्याल है जहाँ पर हम कभी नहीं तोको करते थे कि यहाँ पर कवरेज मिलेगी, वहाँ पर भी हमने राणा खाना साहब को मौजूद पाया और मैं समझता हूँ कि ये कोई आसान बात नहीं, सारे काम छोड़ के सिर्फ कवरेज के लिए हर जगह जाना बहुत मुश्किल काम है। हम इनको इनकी कवरेज पर और इनकी कोशिशों पर खराज तहसीन पेश करते हैं और राणा खाना साहब को और दुनिया टीवी को मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्लाह करे कि ये इसी तरह कवरेज करते रहें और हमें मुख्तलिफ चीज़ों से आगाही बख्शते रहें ताकि हम बेहतर फैसले कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। आज दुनिया न्यूज़ की दूसरी तकरीब है, सालगिरह है। आज दुनिया को ऑन एयर हुए 2 साल मुकम्मल हुए हैं। जिस सिलसिला में आइटोबा टेक सिंह ऑफिस में एक तकरीब मुनक़द की गई, यहाँ दीगर शहरियों और अरकान असम्बली के अलावा भी जो हमारे रिपोर्टर्स यहाँ मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। असद हफीज़ हैं पीरमहल से, आइए उनसे बात करते हैं कि आज वो कैसा महसूस कर रहे हैं कि 2 साल इनकी व्यवस्थगी हो गई है दुनिया न्यूज़ के साथ और कैसा लग रहा है। जी बहुत अच्छा लग रहा है। 2 साल पहले जब हमने काम शुरू किया दुनिया टीवी का तो उस वक्त और चैनल भी थे, लेकिन ये नया चैनल लॉन्च हुआ था, इसमें जो बेहतरी के काफ़ी सारे और मौके थे। इसमें जब स्टार्ट हुआ तो उस वक्त हमारा जो प्रोग्राम है हस्बे हाल,
ये बहुत अच्छा रहा। उसके अलावा जो हमारा काम था, हमारा बेसिक रिपोर्टिंग जो थी हमारी, जो मीडिया सिटी पीरमहल है सिटी लेवल पे था, जो भी अहम कोई कवरेज, सियासी हो, एहतजाज हो, कोई और जिस तरह की भी कोई कवरेज हो, या मेन रोड एक्सीडेंट हुआ, उसको हमने फुली कवरेज किया। और सबसे पहले जो है तो दुनिया टीवी के में न्यूज ब्रेक हुई है। अभी चंद दिन पहले हमारे शहर में दो एशियन फादर टीम के खिलाड़ी शफकर सोल और रिजवान आए, और उसकी जो सबसे ब्रेकिंग न्यूज है वो भी दुनिया टीवी ने दी, और उसके अलावा जो फुटेज है वो भी दुनिया टीवी ने सबसे पहले दी। और मैं दुनिया टीवी चैनल को 2 साल पूरे करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये थे असद हफीज जो पीर महल से तलक रखते हैं। अब रजाना से जुल्फकार जानिसार हमारे साथ मौजूद हैं। जी जुल्फकार भाई, आज क्या देखते हैं, किस तरह आप देखते हैं कि 2 साल से आपकी वापसी है दुनिया न्यूज से, क्या पाया, क्या होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं दुनिया न्यूज की पूरी टीम को जो है 2 साल कामयाबी से मुकम्मल करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जिस अंदाज से, क्योंकि इस चैनल की उम्र सिर्फ 2 साल है, लेकिन इसने अपनी उम्र से बढ़कर जो काम कर दिखाया है, बैनुल अक़वामी अफेयर्स हों या कौमी लेवल की न्यूज़ हों या इलाकाई, इवन के देखें मेरा ताल्लुक जो है एक छोटे शहर से है, लेकिन जो कवरेज दुनिया न्यूज़ ने जो है अवाम के मसाइल उजागर करने के लिए जो दी है, मेरा ख्याल है मुझे जो है वो इतने फोन आते हैं कि मैं यानी ये अंदाजा भी नहीं कर सकता था कि यानी एक छोटे शहर को जो है वो इतनी कवरेज दी जा सकती है। तो ये मैं इस मौका पर जो है वो सारी टीम को जितना वर्क है, खास करके इसके जो प्रोग्राम है, जो मेरा ख्याल है जितने चैनल इस वक्त पाकिस्तान में ऑन एयर हैं, उनमें सबसे अच्छा प्रोग्राम जो है वो हस्बे हाल है। और हस्बे हाल के अंदर जिस तरह मसाइल को उजागर किया जाता है, और डिपार्टमेंट्स की करप्शन को जो है यहाँ किया जाता है, और फिर इस्लाह अहवाल के हवाले से जो बात की जाती है वो काबिले तारीफ है। तमाम प्रोग्राम जितने भी हैं वो बहुत अच्छा जा रहे हैं, और यानी हमें मज़ा आ रहा है काम करके दुनिया न्यूज़ के साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दुआ है कि जिस तरह ये चैनल काम कर रहा है, आने वाले वक्त में ये मज़ीद तरक्की करेगा, और हमारी तमाम तर एफर्ट्स जो हैं वो दुनिया न्यूज़ के साथ हैं। थैंक यू। हम डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक सिंह के तमाम नुमाइंदगान आज की इस पुरवकार तकरीब के हवाले से और आज इस खुशी के मौके पर दुनिया न्यूज़ और उनकी जो पूरी टीम है जो लाहौर में बैठकर, इस्लामाबाद में, कराची में बैठकर काम कर रही है, उनको मुबारकबाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह उन्होंने हमारे जो नुमाइंदगान हैं शहरियों के निचले तबके तक जो खबर है उसको ब्रेक किया है, और आइंदा भी इसी तरह हमारे साथ आम रहेगा। इस मौका पर हम तमाम जो डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक सिंह के सहाफ़ी हैं जो वाबस्तगी रखते हैं दुनिया न्यूज़ से, उनकी जानब से दुनिया न्यूज़ की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करते हैं। ठीक है, उड़ना जावे देखियो तेरी।